वेलकम टू जस्ट ए नॉर्मल डे बट नॉट ए नॉर्मल डे एट ऑल। सुबह उठे 5 बजे, देखा बाहर बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही। हमने सोचा बारिश हो रही अब तो टेनिस खेलने जा नहीं सकते, एक काम करते हैं 1 घंटा सोते हैं। सो के उठेंगे, खाना पीना बनाएंगे, सीधा ड्यूटी जाएंगे। अब सुबह का हो गया प्लान पूरा चौपट। फिर से सुबह 6:30 बजे उठे, उठ के जल्दी वल्दी में खाना वाना बनाया, कपड़ा आयरन किए, तब तक देखें कि 7:45 बजे। उसके बाद से बारिश होने लगा और बहुत तेज बारिश होने लगा, तो इसीलिए थोड़ा वेट किए और 8 बजे तक मैं घर से निकले। भीगते फैक्ट्री पहुंचे, इसी तरह के वहां पर पूरा दिन ऐसे गुजारा। अब उम्मीद करते हैं कि तबीयत खराब ना हो जाए। अब देखो अभी 6 बज रहा है और मौसम थोड़ा थोड़ा साफ लग रहा है, तो इससे पहले कि प्रलय आ जाए, धरती पलट जाए, दुनिया पूरी धरती के अंदर समा जाए, आओ दौड़ के चले आते हैं। Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. जिस वेदर कंडीशन में आज हमने रनिंग कर दी है ना, मुझे नहीं लगता है कि आज से 3 सप्ताह पहले वाले अगर हम होते ना तो इसके बारे में सोच भी सकते थे। पूरा दिन यहाँ पे मूसलाधार वर्षा हुआ है भाई, और उसके बाद यहाँ पे पूरा जंगल है। इतनी ज्यादा बारिश होने के बाद क्या होता है ना, जो सांप वाप होते हैं ना वो रोड पे आ जाते हैं। फिर भी इतने रिस्क में भी हम गए और दौड़ के चले आए। पता नहीं यार ये मोटिवेशन कहाँ से आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको बहुत मजा आ रहा है। हमारे इंडिया में ना एक कल्चर है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होता है ना, वैसे ही शाम को धकाधक पकौड़ी बनना चालू। जैसे ही शाम को बारिश होना चालू होता है, वैसे ही सारे घरों में कड़ाही चढ़ जाता है और तेल धकाधक गर्म होना चालू। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे अकेले हैं और डाइटिंग भी कर रहे हैं, इसीलिए हम पकौड़ी नहीं बनाएंगे। आज हम रोस्ट करेंगे स्वीट कॉर्न को। और देखो हमने स्वीट कॉर्न यहाँ पे ले आया, देखो स्वीट कॉर्न ला के मस्त इसको ऐसे करके एकदम मोड़ मार के रख दिया है। अब इसको हम बस गैस में ऐसे करके रोस्ट कर देंगे, ठीक है ना। तुम देखो ना, तुमको पूरा दिखाते। अब ये देखो बाहर आवाज़ सुन रहे हो ना, ये बारिश का आवाज है। अभी जस्ट देखो हम दौड़ के चले आए और बारिश शुरू हो गई। मतलब अगर आप किसी चीज को दिल से पाने की कोशिश करो ना, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती। मेरा प्लान था कि डेली किसी भी हाल में हमको रनिंग के लिए जाना है। पूरा दिन बारिश हुआ, लेकिन ठीक रनिंग के टाइम में आधा घंटा हमको फुर्सत मिला, हम तुरंत दौड़ के चले आए और उसके बाद देखो मूसलाधार बारिश फिर से शुरू हो गया। तो खैर अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और गैस जलाते हैं और भुट्टा पकाते हैं। इसको सिंपली हम लोग ऐसे भी रख के देखते हैं क्या केस है। हालांकि गैस आने के बाद ना ये भुट्टा बनाने का कल्चर ही चला गया। पहले हम लोग कोयला का चूल्हा होता था तो उसमें मस्त हम लोग भुट्टा बनता था, लेकिन गैस से भुट्टा बनाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कैसे बनेगा। लेकिन ट्राई कर रहे हैं बनाएंगे, ठीक है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि बॉयल करके खाएंगे, लेकिन पता है बॉयल करके खाने में वो फील नहीं आएगा, वो नॉस्टैल्जिया जो फीलिंग होता है ना वो नहीं आएगा। अभी मस्त जब इसको रोस्ट हो जाएगा ना, उसके बाद खाने में हल्का सा नींबू डाल के खाने में, हाय हाय, हल्का सा नींबू, हल्का सा मिर्चा पाउडर लगा के, नमक डाल के मस्त लगेगा भाई। हालांकि देखो रोस्ट होना स्टार्ट हो गया, धका धक पटापट फूट रहा, चलेगा कोई दिक्कत नहीं। और पता है मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि यही आज मेरा डिनर हो जाए, इसके साथ हम और कुछ खाने का कोशिश नहीं करेंगे। हाँ अगर 8:30 बजे के बाद अगर हमको हल्का सा भूख लग जाए तो हम हल्का सा एक स्वीट पोटैटो बॉइल करके खा सकते हैं, और आज कुछ हार्ड खाने का हमको जरूरत नहीं है। हा, क्या मस्त खुशबू आ रहा है, अरे बाबा एकदम नॉस्टैल्जिया फीलिंग आ रहा है गाइस। बचपन में ऐसे हम लोग खाते थे ना, फर्स्ट क्लास एकदम, बगल का घर का बाड़ी से तोड़ के लाओ, फर्स्ट क्लास एकदम, रोस्ट करो और खाओ। मेरे ख्याल से हो गया लगता है, लेकिन थोड़ा सा और हम करेंगे, इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक हो जाएगा पूरा अच्छा से फर्स्ट क्लास। जानते हो पूरा कच्चा भी नहीं होना चाहिए। और ये जो स्वीट कॉर्न है ना, ये आपका बॉडी में शुगर लेवल बढ़ा देगा, आपको आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा इसे इसको खाने से, रेगुलर खाने से। इसलिए इसको हमेशा नहीं खाना, कभी कभी खाना है दवाई के जैसा। इसमें विटामिन सी रहता है, एंटीऑक्सीडेंट रहता है और बहुत सारा कुछ मिनरल्स रहता है जो कि बॉडी में बहुत ज़रूरी है। लेकिन वही है, फिर शुगर बढ़ जाता है हल्का सा, फिर आपका वेट गेन इससे होने लगता है, तो ये भी हमको हमेशा रेगुलर नहीं खाना है। लेकिन टेस्टी इतना है कि साला मन करता है कि रोज़ खाएं, लेकिन वीकली एक दिन खाएंगे भाई, एक नंबर खाएंगे, समझे।
अगर आपको भी अगर घर में बनाना है ना स्वीट कॉर्न, तो इसका जो अपना छिलका होता है ना उसको पूरा निकालिए मत, इसी तरह मोड़ के पीछे घुमा लीजिए उसको, और फिर उसी को ऐसे पकड़ के ऐसे करके बनाइए, समझे, उसी को ऐसे पकड़ के ऐसे करके अपना बना लीजिए, नहीं तो फिर जानते हैं छिलका निकल जाएगा, फिर इसको गैस में बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चूल्हा में बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आसानी से पलट सकते, लेकिन गैस में पलटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो कितना आसानी से बनाया, मेरा हाथ भी नहीं जला और फर्स्ट क्लास मेरा काम भी हो गया, देखिए कितना शानदार है गाइस। मेरे ख्याल से ये अंदर तक पेनिट्रेट हो गया इसका हीट, ठीक ठाक, कच्चा नहीं, थोड़ा सा और चला ले क्या? मेरे ख्याल से ठीक है, मेरे ख्याल से ओके, थोड़ा सा ओके ही है, कोई दिक्कत। इसको ऐसे ही दांत से खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें नींबू मार लेते हैं बढ़िया से, हल्का सा नमक डालेंगे और फर्स्ट क्लास एकदम, हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा भाई। ठीक है गाइस, हम एंजॉय करते हैं भुट्टा। और आज के ब्लॉग में ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि अभी और कुछ कंटेंट इसमें ऐड कर सके, अभी टाइम तो उतना हुआ नहीं मेरे पास, अभी टाइम है 1.5 घंटा का, तो हम ट्राई करेंगे कुछ और ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऐड नहीं कर पाए भाई तो ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं बस।